आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो क्या दिया है, एक्स प्लस टू वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस के वाई प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि दे आर द कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है हमारी, दे आर द कंसिस्टेंट लाइंस ऑफ, कंसिस्टेंट लाइन हमारी दो तरह की है, फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग एंड सेकेंड इज कॉन्सिडेंट लाइन्स। दैट मीन्स आपका कैसा होगा, ओवरलैपिंग। दैट मीन्स एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आएगी, दे आर द कॉन्सिडेंट लाइन्स। ठीक है नाउ, तो ये आपका कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसा होता है, सब लेफ्ट साइड में, तो हमारा ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस इज आपका क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होगा आपका, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। दैट मीन्स दोनों लाइन्स के अगर रेशियो निकालेंगे दे शुड बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है नाउ, तो देखो कैसे आ रहा है, वन बाई टू, तो आपका आ गया वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू टू बाई के, दैट इज इक्वल टू सेवन बाई फोर्टीन। ठीक है नाउ, तो सेवन बाई फोर्टीन को अगर कट करेंगे यू विल गेट वन बाई टू अगेन, वन एंड टू। नाउ तो के की वैल्यू निकालनी है, वी विल टेक एनी वन दिस और दिस, यू विल गेट द सेम आंसर आपका। देखो कैसे आ रहा है, वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट वन इंटू के इज के एंड टू इंटू टू इज फोर, तो नाउ के की वैल्यू इज फोर नाउ। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी लाइन कैसी है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स सेम पाथ, नो चेंज, इट कंटेन्स इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस वी कैन से। ठीक है,